जैसे जुबान किसी जायके को कभी नहीं भूलती जो उसने कभी चखा हो, चाहे कितनी ही देर पहले या चाहे कितने ही अरसा पहले, वो उस शय का जायका नहीं भूलती। और जब भी वो शय उसे याद आ जाए या नज़र आ जाए तो उस जायके की लज्जत उसकी जुबान पे महसूस होने लगती है। ठीक उसी तरह याद में जो मंजर एक बार नक्श हो चुका हो, वो याददाश्त से कभी नहीं मिटता। उससे मिलता जुलता मंजर भी उस मंजर की याद करवा देता है, या कुछ ऐसा याद आने लगता है जो इंसान की हस्ती पे कभी बीत चुका है। हजरत मूसा अलैहि सलाम से खुदा की जब पहली बात हुई तो कलाम शजरे पे उतरा तो शजरा बोलने लगा, किताब में उतरा तो कलाम बोलने लगा, इंसान पे उतरा तो इंसान बोलने लगा। और जब इंसान बोलता है अल्लाह के कलाम के साथ तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं उस इंसान के हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ। ये बड़े राज की बातें हैं, अल्लाह के राज लामहदूद हैं। बस चलते चले जाओ, अल्लाह किसी मुकाम का नाम नहीं बल्कि लामहदूद मंजिल का नाम है जिसका कोई अंजाम नहीं। वजह पता क्या है? राज की बात बताऊं कि अल्लाह खुद ही हम सफ़र होता है। तुम उसे बाहर ढूंढते रहते हो, मिलना कहाँ से है उसने जो तुम्हारे साथ ही चला जा रहा है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरीदा, तू जंगल जंगल घूमता फिरता है, वन के कांटों को तोड़ता मरोड़ता और सहता है, रब तो तेरे दिल में बसता है, तू जंगल में किसको ढूंढता है। हलकत को जेंदी गोली, वो हर दम फरीद देखो रहे। अल्लाह तलाश करने वालों के साथ अपनी तलाश में शामिल हो जाता है, आप ही अपनी तलाश में शामिल हो जाता है। वो जो कहता है तलाश करो उसको, वही अल्लाह है जो आपको इनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि खुदा आसमानों और ज़मीन पर जो कुछ है उसे जानता है। उसके चौथे होने के बगैर कभी भी तीन अफराद के दरमियान कोई खुफिया सरगोशी, गुफ्तगू, मुआयदा, मशवरा, इरादा या फैसला नहीं हो सकता, और ना ही पांच के दरमियान उसके छठे होने के बगैर, और ना ही उससे कम के दरमियान या उससे ज़्यादा के दरमियान उसके बगैर नहीं होता कोई भी काम, कोई भी सरगोशी, कोई भी आवाज़, कोई भी अमल कि वो साथ साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो। इस मंजिल के अंदर सफ़र की ख्वाहिश पैदा करने वाला अल्लाह है, सफ़र का इंतज़ाम करने वाला अल्लाह है, सफ़र में हम सफ़र अल्लाह है, और मंजिल मकसूद पर इस्तकबाल करने वाला अल्लाह है, भेजने वाला भी अल्लाह और वहाँ से वसूल करने वाला भी अल्लाह है, और रास्ते में साथ देने वाला भी अल्लाह ही है।